नमस्कार शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वह है सामाजिक विज्ञान हेतु युक्तियाँ, उसमें विशेष रूप से भूमिका अभिनय यानी रोल प्लेइंग एवं परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर आपसे बात करूँगी। हमें परिप्रेक्ष्य को समझना होगा कि भूमिका अभिनय क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। भूमिका अभिनय को हम नाट्यीकरण भी कहते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यह एक बहुत उपयोगी साधन है। इससे न केवल शिक्षण को सरस, सुबोध और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, बल्कि विद्यार्थियों में अनेक व्यक्तिगत और नागरिक गुणों को भी विकसित किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य बालक की प्रत्येक क्षमता का प्रयोग करना है एवं उसको अधिकाधिक संसाधन युक्त बनाना है। भूमिका अभिनय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभकारी है। प्रत्येक बालक में हम जानते हैं अनुकरण, क्रियाशीलता और अभिनय की कला या प्रवृत्ति जन्म से होती है। शिक्षक इस प्रवृत्ति का उपयोग कर सकता है। वह बालक की इन शक्तियों को विकसित करने में भूमिका अभिनय का प्रयोग कर सकता है। शिक्षार्थियों, शिक्षा के सभी स्तरों पर भूमिका अभिनय या नाट्यीकरण के माध्यम से अपने देश और विदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, भौगोलिक संसाधनों और ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति सचेत होते हैं। उनमें अनेक प्रकार की सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। नाटक लेखन, वाचन इत्यादि बहुत प्रकार की सृजनात्मक शक्तियाँ उनके अंदर विकसित हो सकती हैं, उनको उसका मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उनका भी विकास हो सकता है। भूमिका अभिनय कितने प्रकार का हो सकता है या उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में अध्यापक किस प्रकार भूमिका अभिनय का प्रयोग कर सकता है, इस विधि का प्रयोग कर सकता है। मुख्य तरीके जिनके माध्यम से वो इस विधि को प्रयोग कर सकता है वो है अनौपचारिक अभिनय, औपचारिक अभिनय कठपुतली का खेल दिखा सकता है, मूक अभिनय या आशु अभिनय। अनौपचारिक अभिनय उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है क्योंकि इस स्तर पर बालक जिज्ञासु होते हैं। वे जिसका भी अध्ययन करते हैं उस चरित्र का रोल करने में, उस चरित्र की भूमिका करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। ये विद्यार्थियों को उस व्यक्ति के चरित्र की पहचान करने के योग्य बनाता है। वे उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में न केवल समझते हैं बल्कि जीवन में उसका अनुकरण करने का प्रयास भी करते हैं। औपचारिक अभिनय थोड़ा इससे अलग होता है। इस स्तर पर विद्यार्थियों के जीवन में सांवेगिक, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो औपचारिक अभिनय या औपचारिक भूमिका अभिनय इस दृष्टि से बहुत उपयोगी है। औपचारिक भूमिका अभिनय के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थी भूमिका करते हुए अनेक प्रकार के मूल्यों को परिवर्तित कर सकते हैं, वो स्वयं में परिवर्तन महसूस करते हैं। समस्यात्मक परिस्थिति में रोल प्लेइंग द्वारा या भूमिका अभिनय द्वारा विद्यार्थी ये सीखते हैं कि समय पड़ने पर अपनी समस्याओं का हल कैसे खोजा जाता है। तो इस प्रकार से रोल प्लेइंग हो या सोशियो ड्रामा हो, ये औपचारिक अभिनय के जो रूप हैं उनका प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किया जा सकता है और ये एक उपयोगी विधि हो सकती है। कठपुतली का खेल हम सब ने बचपन में देखा है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। यह भी भूमिका अभिनय का एक रूप है जिसको कक्षा में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक फायदा यह होता है कि इसमें स्टेज का निर्माण करने और वेशभूषा आदि की दृष्टि से बहुत कम खर्च आता है, यह कम खर्चीला है।
और ये जो शर्मीली प्रवृत्ति के विद्यार्थी होते हैं उनको भी, जो स्टेज पर सामने आने में जिनको संकोच होता है, नहीं आना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, उनको भी भाग लेने के लिए ये विधि प्रेरित करती है। तो कठपुतली के खेल के माध्यम से वो मंच के पीछे से अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। भूमिका अभिनय का एक रूप है मूक अभिनय। मूक अभिनय हम सब जानते हैं, मिमिक्री, सभी बच्चों को इस क्रिया में आनंद आता है। किसी भी परिस्थिति पर विचार विमर्श और परिवर्तन के लिए ये एक अच्छा आधार प्रदान करता है। कक्षा में इसके माध्यम से यदि शिक्षण किया जाए तो ये बालकों को कल्पना करने या अनुमान लगाने का, उनके तर्क कौशल, चिंतन कौशल को भी विकसित करने का अवसर देता है। ये एक परिकल्पित खेल है और इसमें संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थी सहज रूप से भाग ले सकते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा माध्यम है भूमिका अभिनय का। एक विधि होती है आशुक अभिनय, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन। एक्सटेम्पोर ड्रामाटाइजेशन क्या होता है कि इसमें किसी भी विद्यार्थी को खड़ा कर दिया जाए और उसे उस विषय पर कुछ अभिनय करने के लिए कहा जाए। ये बहुत शिक्षाप्रद और सूचनात्मक होता है, बालकों की मानसिक क्रिया को प्रोत्साहित करता है। इसमें कक्षा कक्ष में स्टेज का निर्माण करने या किसी दृश्य का निर्माण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती और इसके अंतर्गत विचार शक्ति का विकास भी किया जा सकता है। यह कुछ भूमिका अभिनय के प्रकार हैं जिनका प्रयोग शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर कर सकता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि चरित्रों का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें विचार विमर्श, विश्लेषण और निर्णय लेना सम्मिलित हो। अभिनय की तैयारी कैसे की जाए? भूमिका अभिनय विधि का प्रयोग शिक्षक किस प्रकार करे और किस प्रकार उसकी पूर्व तैयारी करे? दोस्तों, किसी भी पाठ के पढ़ाने के 3 स्टेप्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, उसकी पूर्व तैयारी, उसका प्रस्तुतिकरण और उसका मूल्यांकन। तो अभिनय को अगर हम एक विधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले अध्यापक को उस प्रसंग का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया जाना है। तो वो प्रसंग ऐसा हो जो उचित हो, सारगर्भित हो, जो विषय से संबंधित हो। इसके बाद उसको इसके संबंध में सभी स्रोतों की सूचना छात्रों को देनी चाहिए, अर्थात वो कहाँ कहाँ से इससे संबंधित सूचना ग्रहण कर सकते हैं। उसके प्रसंग की विवेचना करनी चाहिए। छात्रों को संवाद लिखने के लिए कहना चाहिए। संवाद लिखने के लिए कहने का एक फायदा यह भी होगा कि छात्रों के लिए ये विशेष लाभकारी होगा। इसके माध्यम से छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास होगा। इसके पश्चात अध्यापक को पुस्तक के संवादों को बालकों से कक्षा में सुनने चाहिए और उनके द्वारा लिखे संवादों को शुद्ध कराना चाहिए और शुद्ध करा के तैयार करवाना चाहिए। इसके बाद अध्यापक इन संवादों में प्राप्त तथ्यों को बालकों से अपनी पुस्तिका में संक्षेप में लिखवाए। मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूँगी कि अध्यापक पुस्तक के संवादों को बालकों से कक्षा में सुने और बालकों से लिखे गए संवादों को शुद्ध कराए, उनको तैयार करवाए और उसके बाद इनको अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए कहे। कभी कभी इन पर अध्यापक द्वारा प्रश्न किए जाएं। इससे छात्र व्यक्तियों की वास्तविकता को समझ पाएंगे या उनके चरित्र को आत्मसात कर पाएंगे। इन क्रियाओं के पश्चात बालकों से अभिनय कराना चाहिए। भूमिका अभिनय युक्ति का लाभ क्या है? पहला, बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बालक अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करना सीखते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। वो अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।
भूमिका अभिनय युक्ति बालकों में लोकतांत्रिक व्यवहार प्रणाली का विकास करती है। वो समूह में रहना, समूह में कार्य करना, अपने अधिकार, दूसरों के अधिकार को समझना सीखते हैं। स्मरण शक्ति का विकास होता है। इस विधि के द्वारा सीखी गई विषय वस्तु छात्र कभी नहीं भूलते। बच्चों की स्मरण शक्ति को विकसित करने की दृष्टि से यह विधि बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ छात्रों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर तो मिलता ही है और उनमें उचित सूझबूझ का भी विकास होता है, उनकी रुचियों का विकास होता है। वो अपनी रुचि का क्षेत्र चुनते हैं। अगर वो मंच सज्जा में रुचि रखते हैं तो वो मंच सज्जा, अगर वो वेशभूषा सज्जा में रुचि रखते हैं तो उनको वेशभूषा सज्जा, यदि वो संवाद लेखन में रुचि रखते हैं तो संवाद लेखन का कार्य, यदि ये वो भूमिका या अभिनय करने में रुचि रखते हैं तो उस प्रकार, तो सब प्रकार के बालकों को अपनी अपनी रुचियों के विकास का अवसर मिलता है। इंद्रिय प्रशिक्षण भी होता है, उनकी आँख नाक कान इत्यादि जो इंद्रिय शक्तियाँ हैं उनका विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्नता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार उनके पास वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ मिल पाती हैं। छात्रों का मनोरंजन तो होता ही है और ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं? प्रत्येक विद्यार्थी को अभिनय कला का ज्ञान नहीं होता। विद्यार्थी तो छोड़िए, शिक्षकों को अभिनय कला का ज्ञान नहीं होता। यदि शिक्षक स्वयं अभिनय कला का ज्ञाता नहीं है तो वह विद्यार्थियों को उचित निर्देशन नहीं दे सकता, इस विधि के माध्यम से भली प्रकार नहीं पढ़ा सकता। यह विधि कक्षा में अनुशासनहीनता की संभावना लेकर चलती है। यदि सकारात्मक और प्रभावपूर्ण ढंग से इस विधि का प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित ही कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा होती है। आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण सीमा है इसकी, क्योंकि ये खर्चीली है। ये समय की दृष्टि से, श्रम की दृष्टि से तो खर्चीली है ही, धन की दृष्टि से भी खर्चीली है। और हमारे भारतीय स्कूलों में जहाँ तक स्थिति है वहाँ पर इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कि अध्यापक प्रतिदिन के पाठों में इस विधि का प्रयोग कर सके। वर्ष भर का जब कार्यक्रम होता है, वार्षिक समारोह होता है या शिक्षक दिवस या बाल दिवस इत्यादि के कार्यक्रमों में, तो शिक्षक इस विधि का उपयोग करते हुए एक या दो नाटकों की तैयारी करवा सकता है, लेकिन पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि ना तो शिक्षक, ना विद्यार्थी और ना ही विद्यालय इतने संसाधन युक्त हैं। संवाद लेखन की समस्या होती है। पुस्तक में लिखे गए संवाद उतने उपयुक्त या प्रभावी नहीं है या उनमें संशोधन की आवश्यकता है तो वह कैसे हो? यदि अध्यापक खुद संवाद लेखन में निपुण नहीं है तो यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। यह विधि समय बहुत अधिक लेती है। एक पाठ को इस विधि से पढ़ाने में कई पीरियड, कई दिन लग सकते हैं, तो समय की दृष्टि से ये बहुत खर्चीली है और समय का अभाव रहता है। समय सारणी के अनुसार इस विधि का प्रयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता और श्रम साध्य तो है ही, विद्यार्थियों के लिए भी और अध्यापक के लिए भी। यहाँ पर कुछ प्रकरणों का उल्लेख करना चाहूँगी जिनका प्रयोग शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर भूमिका अभिनय के लिए कर सकता है, जैसे
संसद अथवा विधानसभा की कार्यप्रणाली को दर्शाना, प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों को दर्शाना, बुद्ध के जीवन चरित्र की कुछ घटनाओं का अभिनय, कब उन्होंने गृहत्याग किया, किस क्या सारथी और बुद्ध का वार्तालाप था इत्यादि, सिकंदर और राजा पुरु की भेंट के दृश्य को, या सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप इत्यादि बहुत सारे जो ऐतिहासिक चरित्र हैं उनके जीवन की घटनाओं को। भूमिका अभिनय युक्ति के प्रयोग में कुछ सावधानियों का प्रयोग आवश्यक है। ये सावधानियाँ यदि नहीं ध्यान में रखी गईं तो यह विधि अप्रासंगिक, प्रभावहीन हो जाएगी। पहली सावधानी, अभिनय के लिए ऐसे प्रसंगों का ही चयन किया जाना चाहिए जिनका नाट्यीकरण सुविधापूर्वक किया जा सके। अध्यापक के द्वारा ऐसे प्रसंग चुनने ही नहीं चाहिए जिनको अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत कर पाना कठिन हो। अभिनय के प्रसंग विद्यार्थियों की मानसिक आवश्यकता और उनकी बौद्धिक योग्यताओं के अनुकूल होने चाहिए। प्रसंग के चुनाव में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए, उनसे विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए। शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिनय एक साधन है, साध्य नहीं है, अतः केवल यह अभिनय किया जाना चाहिए या उतना ही अभिनय किया जाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। और अभिनय के अंत में, भूमिका अभिनय के अंत में या नाट्यीकरण के अंत में इस बात का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए कि उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। जिस उद्देश्य से यह नाट्यीकरण किया गया वह पूरा हुआ या नहीं, और अभिनय को विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति के विकास की एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में प्रयोग करना चाहिए, न कि शिक्षक को अपने को नेता के रूप में प्रदर्शित करने की तकनीक के रूप में। प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक उनकी रुचि और योग्यताओं के अनुसार ही काम सौंपे, ये ध्यान रखना चाहिए उसको। किसी भी भूमिका का अभिनय करने से पूर्व विद्यार्थियों को उसका अच्छा अभ्यास करा लेना चाहिए और अभिनय पाठ के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी भूमिका अभिनय की बात। अब हम इस चर्चा के दूसरे बिंदु पर बात करेंगे। दूसरा बिंदु है परियोजना या प्रोजेक्ट युक्ति। प्रोजेक्ट युक्ति या परियोजना युक्ति प्रारंभ कहाँ से हुई? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि परियोजना शब्द कहाँ आया या परियोजना शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले इसका प्रयोग 20वीं सदी में किया गया था, और जहाँ तक परियोजना पद्धति की बात है तो इसको जन्म देने का श्रेय अमेरिका के शिक्षा शास्त्री W.H. किलपैट्रिक को है। किलपैट्रिक DV के शिष्य थे, जो कि अमेरिका के बहुत माने हुए शिक्षाविद थे। किलपैट्रिक ने DV की विज़न को ध्यान में रखते हुए बालकों को उनकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार क्रियाशील होकर व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया, जिसका परिणाम परियोजना पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड है। यह युक्ति प्रायोगिक कार्य पर आधारित है। प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल विधि है। इसमें छात्र प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। कई विद्वानों ने परियोजना को परिभाषित करा है। जैसे किलपैट्रिक ने कहा है कि परियोजना वो सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। कई शब्द पारिभाषिक हैं इसमें। परियोजना सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है, अर्थात जो हार्ट से किया जाए, पर्पसफुली हो और बाय हार्ट किया जाए।
और सामाजिक वातावरण में किया जाए, मतलब सोशल एस्पेक्ट होता है जिसका, ऐसा उद्देश्यपूर्ण कार्य जिसका कोई ना कोई सोशल एस्पेक्ट होता है, उपयोगिता होती है। तो किलपैट्रिक ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया। परियोजना युक्ति की विशेषता है कि वास्तव में ये निरीक्षित अधिगम विधि का ही एक रूप है। इसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा से स्वाभाविक और रचनात्मक कार्य करते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा से स्वाभाविक और रचनात्मक कार्य करते हैं बिना किसी कठिनाई के। उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करना वो सीख सकें इस हेतु। इसमें प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है। इसमें केवल लर्निंग बाय डूइंग पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि लर्निंग बाय लिविंग टुगेदर, साथ रहते हुए सीखने पर बल दिया जाता है। छात्र इस विधि में समस्या विधि के समान शिक्षक के मार्गदर्शन में ज्ञानार्जन करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए छात्र पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला आदि का समुचित उपयोग करते हैं। शिक्षक की देखरेख में दिए गए कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसमें सभी विद्यार्थी अपनी अपनी क्षमता और योग्यताओं के अनुसार कार्य को स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा करते हैं और अंत में किए गए कार्य की समाज के लिए क्या उपयोगिता रही इसका मूल्यांकन भी करते हैं। बहुत सारे द्रव्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक निर्देशन देते हैं योजना के बारे में, आवश्यक साधनों के बारे में, लेकिन सारा कार्य विद्यार्थियों को स्वयं करना होता है। इस प्रकार प्रारंभ से ही विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं। परियोजना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत या सामूहिक परियोजना, सरल या बहुमुखी परियोजना। किलपैट्रिक महोदय ने भी इसको वर्गीकृत किया है और उन्होंने परियोजना के चार प्रकार बताए: रचनात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना और अभ्यासात्मक परियोजना। व्यक्तिगत परियोजना वो परियोजना होती है जिसको प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने ढंग से अलग अलग पूरा करता है। इसको पूरा करने में उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित नहीं होते, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है। इसमें सारा कार्य विद्यार्थी को अकेले करना होता है। जबकि सामाजिक परियोजना को कक्षा के सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से पूरा करते हैं। ऐसी परियोजना विद्यार्थियों में नागरिकता एवं सामाजिकता की भावना का विकास करती है। दूसरा वर्गीकरण विद्यार्थियों, मैंने बताया सरल एवं बहुमुखी परियोजना। सरल परियोजना में विद्यार्थियों को केवल एक ही कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, लेकिन ये परियोजना बहुत सरल होती है, जैसे नाटक या एकांकी की रचना करना या कविताओं का संकलन करना। इसके द्वारा उन्हें केवल एक ही विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुमुखी परियोजना में विद्यार्थियों को एक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मकान का मॉडल बनाना, पार्सल भेजना। इनको पूरा करते हुए विद्यार्थियों को बहुत सारे विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाता है, जैसे भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल आदि बहुत सारे विषयों का ज्ञान वो एक साथ प्राप्त कर पाते हैं बहुमुखी परियोजना में। किलपैट्रिक महोदय ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें रचनात्मक, कलात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक परियोजना में उन्होंने वर्गीकृत किया इसको। रचनात्मक परियोजना किसी विचार या धारणा को एक मूर्त या रचनात्मक रूप देने के लिए चयनित कार्य योजना है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिव है ये। जैसे
सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो भारत के धरातलीय स्वरूप को किसी प्रतिरूप द्वारा प्रदर्शित करना, यानी मॉडल द्वारा प्रदर्शित करना, मॉडल बनाना। कलात्मक परियोजना में किसी भावना या सौंदर्य अनुभूति पर कार्य को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे किसी पर्वतीय प्रदेश के दृश्य को प्रतिरूप द्वारा प्रदर्शित करना, जिस देख के जो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। समस्यात्मक परियोजना में किसी समस्या के समाधान के लिए योजना का निर्माण किया जाता है, जैसे यह जानने का प्रयास करना कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के मौलिक कारक क्या हैं। और समस्यात्मक परियोजना में किसी समस्या के समाधान के लिए योजना का निर्माण किया जाता है और उसको पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ये जानने का प्रयास करना कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के मौलिक कारण क्या हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद यह ज्ञात करना कि भारत के और किस क्षेत्र में हम इस प्रकार की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध करा सकते हैं, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है। अभ्यासात्मक परियोजना किसी कौशल या कार्यदक्षता को प्राप्त करने से संबंधित योजना है, इसका संबंध किसी प्रकार के कौशल से है, जैसे लेखा चित्र तैयार करना, जैसे सांख्यिकीय विश्लेषण करना इत्यादि। परियोजना के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, ये उसकी आवश्यक शर्तें कह सकते हैं, या इनको सिद्धांत कहना अधिक उपयुक्त होगा, जैसे स्वदेश्यता का सिद्धांत। परियोजना स्वदेश्यपूर्ण होती है, कोई ना कोई उद्देश्य इसके साथ, हर परियोजना के साथ होता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, तात्पर्य प्रत्येक बालक को इसमें अपने स्तर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कि वह किस प्रकार परियोजना को पूरा करने में मदद करेगा। बालक अनेक प्रकार की विभिन्नताओं वाले होते हैं, कुछ अधिक कुछ कम काम कर सकते हैं, तो फोर्स नहीं किया जाता किसी को भी, किसी कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जाता, ना शिक्षक की तरफ से ना समूह की तरफ से। शिक्षार्थियों, परियोजना के आधारभूत सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक क्रियाशील होकर इसमें भाग लेते हैं, प्रोजेक्ट बालक को क्रियाशील बनाता है और वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इस प्रकार से वो करके सीखते हैं। चौथा सिद्धांत है वास्तविकता का सिद्धांत, यानी परियोजना वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। ये वास्तविकता का सिद्धांत व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से संबंधित होता है। चौथा सिद्धांत है वास्तविकता का सिद्धांत, परियोजना वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, वास्तविक सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। किसी भी ऐसी प्रकार की परियोजना पर कार्य करना जिसका वास्तविक जीवन से संबंध नहीं हो, इस प्रकार की परियोजना निरर्थक है। अगला सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, अर्थात प्रत्येक परियोजना उपयोगी भी होनी चाहिए, समाज की दृष्टि से उसकी उपयोगिता सुनिश्चित की जाती है, तभी उस पर कार्य किया जाता है। और अंतिम सिद्धांत सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसमें प्रत्येक बालक को अपने सामाजिक विकास का अवसर मिलता है, सामाजिक दक्षताओं का अवसर मिलता है, किस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है, किस प्रकार से समूह में कार्य किया जाता है, कौन नेतृत्व करता है, किस प्रकार नागरिक गुणों का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक एक परियोजना के अंतर्गत कार्य करते हुए सीखता है।
इसके कुछ पद हैं, आवश्यक पद हैं। सबसे पहला पद है परिस्थिति का निर्माण करना। अध्यापक परियोजना पर कार्य करने से पूर्व या कार्य कराने से पूर्व, परियोजना को निश्चित करने से पूर्व कक्षा में एक परिस्थिति का निर्माण करता है। उसको भूमिका बनानी होती है। उस भूमिका के आधार पर वो छात्रों को परियोजना पर किस कार्य करने के लिए तैयार करता है। वो समस्या के रूप में हो या किसी चुनौती के रूप में हो, किसी प्रश्न के रूप में हो, वो उनके समक्ष उसको प्रस्तुत करके एक परिस्थिति बनाता है, एक वातावरण बनाता है और इस प्रकार आगे बढ़ता है। जब परिस्थिति का निर्माण हो जाता है तब बारी आती है परियोजना का चयन करने की, किस परियोजना को चुना जाए। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि परियोजना के चयन में सभी बालकों की भूमिका होनी चाहिए और अध्यापक उसमें एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए। परियोजना का जब चयन किया जाता है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें सामूहिक सहमति हो, अर्थात सभी बालक उस परियोजना पर कार्य करने के लिए तैयार हों। जब परियोजना का चयन हो जाता है, परियोजना निश्चित हो जाती है, तब फिर उसको पूरा करने का एक कार्यक्रम बनाया जाता है, एक फ्रेमिंग की जाती है, प्लानिंग की जाती है। इस कार्यक्रम में बहुत सारी क्रियाएं और कौन उपक्रियाएं, कौन किस कार्य को करेगा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। फिर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है और ये कार्यक्रम जब क्रियान्वित हो जाता है, परियोजना पर बच्चे अपने अपने हिस्से का कार्य कर लेते हैं, तब फिर जो है कार्य का लेखा किया जाता है। कार्य का लेखा जोखा रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस आधार पर ये मूल्यांकन किया जा सके कि किसने क्या कार्य किया, जिसको वो कार्य दिया गया था उसका कितना प्रतिशत कार्य हुआ, क्या कार्य नहीं हुआ, कौन सी त्रुटियां रह गईं, कौन सी कमियां रह गईं जिनको दूर करना है, और उसके बाद कितना और अभी काम बाकी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है इत्यादि। और इसके साथ साथ ये भी देखना कि क्या परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि परियोजना पद्धति अपने आप में बहुत अच्छी विधि है, बहुत, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है इसलिए कक्षा में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह मनोवैज्ञानिक भी है, इसमें बहुत सारे गुण हैं जो हम जिनके ऊपर हमने ये चर्चा भी की, और लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी हैं जिनका ध्यान अध्यापक को रखना होगा। जैसे कि अध्याप समय और धन की दृष्टि से ये खर्चीली तो है, संदर्भ पुस्तकों की कठिनाई भी हो सकती है, और उचित परियोजना का चुनाव करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है, कभी कभी अनुशासनहीनता की भी समस्या हो जाती है। लेकिन यदि शिक्षक चाहे तो वह इन सब कठिनाइयों को, दोषों को दूर करके परियोजना विधि का सही तरीके से उपयोग अपनी कक्षा को कर सकता है, अच्छा निर्देशन दे सकता है, अच्छा पाठ दे सकता है। इन कठिनाइयों को दूर कर ले यदि शिक्षक, तो यह विधि बहुत अधिक प्रभावपूर्ण हो सकती है। यह मनोवैज्ञानिक है, हम सब जानते हैं, और इस प्रकार से अनुशासनहीनता और या ये सब जो कमियां हैं इसको दूर भी किया जा सकता है यदि शिक्षक इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस पर कार्य करें। आप सभी का बहुत अधिक धन्यवाद, आपने बहुत अधिक धैर्यपूर्वक सुना। आशा है कि यह वक्तव्य आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।